केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद भारतीय किसान संघ ने फिर उठाई किसानों की आवाज। भारतीय किसान संघ के दिल्ली हरियाणा के प्रदेश संगठन मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून वापस नहीं लेने चाहिए थे, बल्कि इनमें संशोधन करके MSP पर कानून बनाना चाहिए था। संगठन मंत्री ने कहा कि सरकार ने फिर पूरी तरह किसानों को बाजार के हवाले कर दिया है। जब तक किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य कानून व्यवस्था नहीं होगी, उनका भला नहीं हो सकता। संगठन मंत्री ने कहा कि देश के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने इन 3 कृषि कानूनों में कुछ संशोधन के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी, क्योंकि देश के 90% किसानों को इसका लाभ मिल सकता था। वहाँ भरा करके उन्होंने कुछ लोगों को मैनेज कर लिया और ये धीरे धीरे ऐसे निकल जाएगी, ये हवा निकाल दी, आंदोलन की हवा निकल गई। कमेटी तो स्वामीनाथन की भी बनी थी, उन सरकार ने बनाई थी। राज्यसभा सदस्य MS स्वामीनाथन किसका था? कांग्रेस का था। उसी ने वो लिखी, यानी ऐसी दवाई लिख दी डॉक्टर ने, पहली बात तो उसका मूल्य ना दे सके, अगर कहीं दूसरी बात वो मिलेगी नहीं। वही MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, उसमें इतना धाराएं बना दी कि कोई सरकार उसका मूल्य नहीं दे सकती। इसलिए किसान संघ ने जो सुझाव दिए थे 5, वो सरकार के लिए थी। भाई 700 करोड़ क्विंटल का उत्पादन है, अगर 2000 रुपये भी लाए हैं तो 14 लाख करोड़ का उत्पादन ही तो बनता है। 200 करोड़ बोरी मोटा गेहूं और चावल है, 2000 रुपये से उसका मूल्य नहीं है, 1900 रुपये ही है, तो कितना बनेगा? 4 लाख करोड़ तो बनेगा। अरे 4 फसलों का तो दे दो 23 में से, एक शुरुआत तो करते हैं, किसान मान जाता ना। बच्चा रोटी मांगता है, 2 बिस्कुट का पैकेट दे करके बच्चों कहते हैं शाम को रोटी बनेगी। भारतीय किसान संघ किसानों के हितों के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार? आर पार की लड़ेंगे। आपको बता दें कि 1 साल से ज्यादा का समय किसान आंदोलन चला और प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की, जिसके बाद सभी बॉर्डर से किसान अपने घर लौट गए और सरकार और किसानों के बीच एक कमेटी भी बनाई गई जो MSP पर कानून इस पर बात कर रही है। वहीं अब भारतीय किसान संघ भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि किसानों का कोई भी भला होने वाला नहीं है, जिसके चलते वह किसानों की आवाज उठाएंगे और किसानों को जागरूक भी करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि देश भर में 11 जनवरी को सभी जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ धरना होगा और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपेगा। जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाती, वह इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। आज भारतीय किसान संघ की SD स्कूल में हमने मीटिंग रखी है। आज की मीटिंग का मुद्दा है, जो मेन तो है कि जो सरकार ने जो 10 साल के जो ट्रैक्टरों के ऊपर कहा है कि भाई इनको बंद किया जाए, हम ये चाहते हैं कि उसकी मियाद बढ़ा दी जाए, क्योंकि ट्रैक्टर के ऊपर जो कर्जा है वो 10 साल में तो पूरा भी नहीं होता, किसान तो वो इस बोझ के नीचे दब जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि उसके एक मियाद को जो है ट्रैक्टरों के ऊपर उसको बढ़ा दिया जाए। और आज का मुद्दा ये भी है कि हम 11 तारीख को हम SDM साहब को एक ज्ञापन देना चाहेंगे पानीपत जिले की जिम्मेवारी मुझे दी गई है महिलाओं से, और हम एक ज्ञापन देंगे कि किसानों की सुनवाई की जाए और हमारे जो मुद्दे हैं उन पर हमारी सुनवाई। 11 तारीख को जो है हम एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, ये एक देशव्यापी आंदोलन है और हमारा जो आंदोलन है वो ये 11 तारीख का जो हमारा ज्ञापन है वो एक क्रमिक हमारे आंदोलन का हिस्सा है। इससे पहले पिछली जून में हमारे जो है राष्ट्रीय मंत्री माननीय मोहिनी मोहन जी ने ये जब अध्यादेश था, केवल कानून नहीं आए थे, तब भी एक बात रखी थी कि कानूनों में सुधार की आवश्यकता है, केवल अध्यादेश था उस वक्त, लेकिन सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसी क्रमिक आंदोलन के तहत हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इस ओर ध्यान दे। 8 सितंबर को हम ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। ये पूरे भारत में ज्ञापन दिया जा रहा है और सरकार को चेताने का प्रयास किया जा रहा है कि अब भी इस ओर ध्यान दिया जाए और किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए और किसानों की आवाज उठाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। गांव की सरकार ने क्या काम किए पूरे, या फिर लोगों से किए गए वायदे रह गए अधूरे? क्या सरकार की योजनाएं गांव में हो रही हैं पूरी, या फिर ग्राम पंचायत के कार्य रह गए हैं अधूरे? गांव के विकास की, पंचायत के कार्यों की और गांव के इतिहास के सभी सवालों के जवाब लेंगे हम, जवाब देंगे सरपंच साहब। जल्द आ रहा है सिटी तहलका का खास कार्यक्रम सुनाओ सरपंच साहब।